नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर। हम जयपुर बी से बोल रहे हैं। आज हम अपने विभाग के चैनल पर बच्चों के लिए कौन से योग करना चाहिए, इम्यूनिटी कैसी बढ़नी चाहिए। हर पेरेंट्स को बहुत एक चिंता होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कैसे होगा, मेरे बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चों में हाइट कैसे बढ़ेगी। ये सारी चिंताओं का निराकरण करने के लिए और सबसे अच्छा हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये आपको सारे आसन इतने बेनिफिट रहेंगे ताकि हम तीसरी लहर से भी हमारे ऊपर तीसरी लहर का भी कोई असर नहीं रहेगा। और मेरे साथ एक छोटी सी बालिका है, नाम है अक्षिता। ये 7 साल की बेटी है और ये हमारी योग क्लास में रोज़ आती है। और ये कभी अभी तो 1 साल से कोरोना चल रहा था इसलिए हमने घर पे ही अभ्यास करती थी। आज ये मेरे साथ कुछ कुछ बच्चों के लिए करने वाले आसन कैसे करते हैं ताकि बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी एक छोटी सी कन्या को देखते हुए। आइए, सबसे पहले हमें कैसे बैठना है। अब हम बैठेंगे, बैठने के लिए हम पद्मासन लगाने का अभ्यास करेंगे। दूसरा पैर भी ऊपर उठा के रखेंगे और इस प्रकार रखते हैं और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। हाँ, इस प्रकार हम करते हैं तो पद्मासन में यानी लोटस पोस्चर। बच्चों को जो भी एक आसन होते हैं उसमें बच्चों को ये बताना चाहिए ये किससे कंपेयर हो रहा है। और इस आसन में बैठते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, दोनों घुटनों में स्ट्रेंथ आती है, रीढ़ स्तंभ सीधा रहता है इसलिए एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों में पहले ही पोस्चर सही हो जाता है इस आसन में बैठने के लिए। रिलैक्स करने के लिए कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे एक एक पैर को बाहर उठा देंगे। बहुत अच्छा, पूरा रीढ़ स्तंभ सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। इस योगासन की शुरुआत हम 3 बार ओंकार का नाद के साथ करेंगे। आइए गहरा लंबा श्वास लें, ओंकार का नाद करें। ओ पुनः एक बार ओ दोनों हाथों से नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अस्तो मां सद्गमया, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बोलो अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया तमसो अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, घर्षण करेंगे, हथेली की उष्मा को कोमलता के साथ अपने नेत्रों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। इससे प्रार्थना करने से बच्चों में एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक विकास होता है, यानी बच्चों का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करने के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार करने के लिए हमें प्रार्थना के साथ बच्चों के प्राणायाम की या योगासन की शुरुआत करना चाहिए। आइए बेटा अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अब हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन ये बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन होता है।
दोनों हाथ अपने थाइस पे रखेंगे, यस यहाँ रखो पहले थाइस पे, गुड। फिर दोनों हाथ का इंटरलॉक करो, श्वास लो, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाओ और अपने पंजों के बल खड़े होने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा है, थोड़ी देर इस आसन में रुकने का अभ्यास करते हैं तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। फिर श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे, एक बार और करके दिखाएंगे ताड़ासन। ताड़ यानी वृक्ष, खजूर का पेड़, कैसे करना है, यस वेरी गुड। श्वास ले, धीरे धीरे आसमान पर छूने की तमन्ना, बच्चों में ये एक मोटिवेशन करें कि बच्चों में हाइट बढ़ रही है, बेटा इससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तो बच्चे निश्चित करेंगे, इससे पूरे शरीर का खिंचाव होता है। श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स करेंगे, आँखें कोमलता से बंद करते हुए खड़े 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 ही रहेंगे। ये था ताड़ासन, जिन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ती है उनको ये आसन जरूर करना चाहिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। 18 साल तक बच्चों की हाइट बढ़ती है, लड़कों में 21 साल तक हाइट बढ़ेगी। अब हम करेंगे बच्चों के एकाग्रता के लिए वृक्षासन यानी ट्री पोस्चर। पेड़ कैसे होता है, पेड़ का तना कैसे होता है, उसके लिए अक्षिता करेगी दाएं पैर को यानी राइट पैर को घुटने में मोड़ेगी, हाँ धीरे धीरे राइट पैर को सिवनी नाड़ी के पास लगाएगी, फिर धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाएगी और दोनों हाथों को ऊपर और एकाग्रता के साथ किसी एक बिंदु पर देखेगी। ये बहुत अच्छी नन्ही बालिका है और कितना अच्छा योग कर रही है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे, पैर को नीचे। ऐसा आसन करने से क्या होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, अपने फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है इससे। आइए दोबारा दूसरे पैर से करेंगे बेटा, दूसरे पैर को यानी लेफ्ट पैर को घुटने में मोड़ा, धीरे धीरे सिवनी नाड़ी के पास लगाया, श्वास लिया, हाथों को पूरा ऊपर लेके गए और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमने इस आसन को पूरा करने की किया। और फिर श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे हाथों को नीचे, रिलैक्स। ये था वृक्षासन ट्री पोस्चर। अब ट्रायंगल कैसे होता है, हम ट्रायंगल पोस्चर करेंगे, वेरी गुड। और पैरों में फासला करो, बहुत अच्छा, दोनों हाथ 180 डिग्री में खोल लो। अब धीरे धीरे यही रुकना है, अभी धीरे धीरे जैसे हम बताएंगे वैसे धीरे धीरे करेंगे। ये ट्रायंगल पोस्चर करने जा रही है, नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से हमारे शरीर में बच्चों में हाइट भी बढ़ेगी और पूरे शरीर के मांसपेशियां सुदृढ़ होगी। इसमें क्या करेंगे हम, अब दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड आप झुकोगे, श्वास छोड़े धीरे धीरे नीचे झुके, गुड गुड। और हाथ गर्दन उस ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे, हाँ बहुत अच्छा, ये शरीर का ट्रायंगल बनता है इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। ये हाथ जैसे अक्षिता ने आगे रखा है, बेटा अक्षिता पीछे रख के भी दिखा दो, और थोड़ा सा पीछे हाथ, घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटना सीधा, गुड, हाथ की तरफ गर्दन ऊपर, बहुत अच्छा, ये था त्रिकोणासन, रिलैक्स। अब इसमें हम अपने पैरों की पोस्चर को भी करते हैं, बेटा पैरों को अब जैसे मेरे साइड करोगे ना, ये वाला पैर यानी राइट पैर, राइट साइड झुका दो, थोड़ा सा मेरी तरफ घुमा दो ऐसे, यस, और पैरों में फासला करो, डिस्टेंस, दोनों हाथ, यस, घुटने में नहीं मोड़ेंगे, हाँ। अब गहरा लंबा श्वास लेंगे, हाँ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ झुको, मेरी तरफ, ये हाथ धीरे 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 पैर के पीछे, और घुटना नहीं मोड़ेंगे, गर्दन सीधी, शरीर को हाथ की तरफ देखेंगे, यस, बहुत अच्छा। ये है त्रिकोणासन, जैसे छोटे छोटे बच्चे में धीरे धीरे संस्कार करेंगे, फिर धीरे धीरे बेटा सीधा हो जाओ, यस, दोनों पैरों को पास पास लिया। ये त्रिकोणासन करने से हाथ और पैरों के में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इसलिए बच्चों में ये आसन करना चाहिए। अब अपने स्थान पर बैठ जाओ, अल्टी पर, हाँ बस, वेरी गुड। बच्चों में यदि हम उनको एनिमल के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा एनिमल के साथ बहुत अच्छे जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको किसी एनिमल का एग्जांपल देते हुए बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के हिसाब से, यदि उनको एक एक एनिमल का
एग्जाम्पल देखते हुए उनको आसन करेंगे तो बच्चों को आसन में इंटरेस्ट भी आएगा और उनकी फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, आइए इस प्रकार बैठे। पहले आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में ऐसे बैठने का अभ्यास करेंगे। ऐसे बैठेंगे, आंखें बंद, ध्यान पूरा। ये आसन है वज्रासन। वज्रासन में खाना खाने के बाद करने वाला आसन है ये आसन। बच्चों को शुरू से आदत लगा ले तो उनका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से रहेगा। अब बेटा दोनों हाथ इस प्रकार रखिए, कोहनियाँ मिला लें, दोनों हाथ कोहनियाँ सामने और दोनों पैरों में फासला करेंगे इस प्रकार। अब हम कैट पोस्टर, बिल्ली कैसे होती है, यस वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। दोनों घुटनों में डिस्टेंस रखेंगे, बहुत अच्छा। अब हम बिल्ली का पोस्टर करने जा रहे हैं। बिल्ली कैसे करती है, एक बार अपनी गर्दन नीचे लगाएंगे, झुकेंगे नहीं पहले ऐसे, हाँ। अब धीरे धीरे यस ठुड्डी कंठ के लगाएं, हाँ। थोड़ा सा पीठ को उभार करें, उठाएं थोड़ा और गर्दन नीचे, हाँ। अब बिल्ली कैसे बोलती है, वेरी गुड। अब श्वास लेते हुए ऊपर, काऊ कैसे करेगी, हम यस, और फिर वापस श्वास छोड़ो, टूटी कंटूटी लगाओ, थोड़ा सा उभार लाओ, हाँ पूरी गर्दन नीचे झुकाओ, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, सामने गर्दन निकालो, गुड। ये कैट काऊ पोस्चर है, फिर से एक बार करो। बिल्ली कैसे बोलेगी, वेरी गुड। और ये काऊ पोस्चर, रिलैक्स। अब इसी पोस्चर में बिल्ली की पूंछ होती है ना, वो पूंछ कैसे निकालेंगे हम, यस वेरी गुड। अब आपको राइट पैर को ऊपर उठाना है और हाँ, और दूसरे हाथ को भी लेफ्ट हैंड को सामने करना है, नहीं वो पैर, वो हाथ यस। तो ये हो गई बिल्ली की पूंछ। ऐसे बच्चों में थोड़ा सा अट्रैक्शन कुछ करेंगे और बच्चे फिर बहुत खुश होकर इस एक्सरसाइज को करेंगे। इससे करने से इनकी फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, वापिस आप कैट पोस्चर में आ जाओ, यस ये हाथ ऊपर, बहुत अच्छा। इससे हमारा बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स, वेरी गुड। अब आलती पालती मार के फिर से बैठ जाओ। ये था कैट काऊ पोस्चर। कैट काऊ का मतलब बिल्ली का और गाय। अब हम कैसे बैठेंगे, हाँ जब भी बैठेंगे वर्टिब्रल कॉलम सीधा, चेहरे पर स्माइल, मुस्कान। तब मुस्कुराते हुए बच्चे बहुत अच्छा लगते हैं। इस प्रकार हमने कैट काऊ पोस्चर किया। अब हम करेंगे रैबिट पोस्चर। रैबिट पोस्चर के लिए कैसे करेंगे, फिर से वज्रासन में बैठो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ और थोड़ा सा पीछे, यस वेरी गुड। अब हम आपके दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को पूरा ऊपर उठाएंगे, पीछे जाएंगे, हाँ श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे, नीचे झोंके, दोनों हाथों को पूरा सीधा आगे करें और फोरहेड टच करेंगे। तो ऐसा करने से बच्चों में काम शांत हो जाते हैं, इनका रिलैक्स पोस्चर है, मेंटली बहुत अच्छा विकास होता है। और ये रिलैक्स करने के लिए, बच्चों की एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है रैबिट पोस्चर। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर उठेंगे। रैबिट कैसे चलता है आप चल के दिखाओगे, हाँ इसी पोस्चर में थोड़ा थोड़ा आगे चलो, यस वेरी गुड वेरी गुड। वापिस पीछे जाओ, हाँ गुड। वापिस एक बार रैबिट पोस्चर करके दिखाओ एक बार, हाँ कैसे करेंगे, श्वास लो, यस श्वास छोड़ें, धीरे धीरे फोरहेड को टच करेंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। तो बच्चों में जैसे एनिमल से कोरिलेट करोगे तो बच्चों में बहुत अच्छा रहेगा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, उनके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी तो निश्चित बढ़ेगी। रिलैक्स, श्वास लेते हुए ऊपर, बहुत अच्छा। ये था रैबिट पोस्चर। अब ये करेगी स्नेक पोस्चर। स्नेक पोस्चर के लिए आप लेट जाएंगे, मेरी तरफ पैर करोगे, उधर सिर करोगे, इधर उधर पैर करो, ठीक है। अब आप उल्टा लेटो, पेट के बल, हाँ दोनों पैर मिला लो,
यस, नीचे झुको। पहले इस प्रकार हमारा पोस्चर करना चाहिए। स्नेक कैसे करता है बेटा? श्वास लेते हुए ऊपर उठता है, यस ऐसे, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो अब हम क्या कहेंगे? स्नेक पोस्चर। उसके लिए बच्चों को समझाए थोड़ा सा, इस प्रकार लेट जाए। अब श्वास लें पूरा, पूरा श्वास लेते हुए फनकार मारता है ना, वैसे ही बच्चों में थोड़ा सा अट्रैक्शन, ताकि उनको एनिमल के बारे में भी पता चल जाए। पुनः करें बेटा, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए, यानी श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे और शिशकारते हुए नीचे। अब धीरे धीरे और ऊपर उठेंगे, पूरा ऊपर उठ के दिखाओ, यस, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये था स्नेक पोस्चर, कोबरा पोस्चर। इससे बच्चों में हाइट अच्छी बढ़ेगी, डाइजेशन सही होएगा, कमर का दर्द सही रहेगा। बच्चों के अंदर ग्रोथ होने के लिए, कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे बच्चों को एनिमल से रिलेटेड आसन करने का अभ्यास करेंगे। अब हम शल्भासन करेंगे। शल्भासन के लिए दोनों हाथ थाइस के नीचे ले जाओ। हाँ, ड्रैगन, ड्रैगन पोस्चर होता है। ड्रैगन कैसे होती है? टिड्डी कैसे होती है? टिड्डी के लिए राइट पैर को ऊपर उठाएंगे आप। हाँ, पैर पूरा ऊपर उठाओ, यस, दूसरे पैर का सपोर्ट दे दो, यस, वेरी गुड। ये है ड्रैगन पोस्चर। टिड्डी कैसे रहती है? शलभ यानी टिड्डी। तो ये बच्चों को थोड़ा सा ड्रैगन, ड्रैगन के जैसे उड़ रहे हैं ना आप, फिर श्वास छोड़ो धीरे धीरे नीचे, वेरी गुड। ऐसे हम दूसरे पैर से करेंगे। अब आप राइट पैर को श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे, दूसरे पैर से सपोर्ट दे देंगे, ताकि ये ड्रैगन का लुक दिखेगा आपको। ये शलभ यानी टिड्डी का लुक दिख रहा है। दोनों हाथ भी खोल लो आप, यस। अब धीरे धीरे आप अपने पंख उड़ा लो। हाँ, मजा आया? रिलैक्स, धीरे धीरे हाथों को पास में ले लेंगे अपनी। हाँ, रिलैक्स करने के लिए आप मगरमच्छ कैसे लेटेगा वैसे लेटना है। उसके लिए लेफ्ट हैंड ऐसे रखो, उसके ऊपर राइट हैंड रखो, धीरे धीरे आपके फोरहेड या आपका राइट कान, यस, पैरों को खोलो, पैर बाहर खोलो, यस। ये क्या है? थोड़ा पैर और ये वाला पास में लाओ, यस, वो पंजा बाहर खोलो, दूसरा, यस, दोनों पंजे बाहर की तरफ खोल दो पंजों को। हाँ, आंखें बंद। ये है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पोस्चर। मगरमच्छ कैसे लेटता है, लेटने के बाद में कैसे उसका पोस्चर होता है, उसी के अनुसार बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो उनको आनंद भी आएगा। अब हम करेंगे धनुरासन, जिससे बच्चों में हाइट बढ़ेगी। दोनों पैर मिला लो। हाँ, धीरे धीरे अब राइट पैर को फोल्ड करो। हाँ, लेफ्ट पैर को फोल्ड करो, दोनों हाथों से एक एक पैर का एंकल पकड़े और श्वास लेते हैं पूरा ऊपर उठे, वेरी गुड। ये वो पोस्चर है, धनुरासन है। इससे इनके बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों के सारे मसल्स, हाथ के पैर के मसल्स बहुत अच्छे होते हैं। इसी में आप रोलिंग करो, यस, वेरी गुड, यस, गुड, इस साइड, बहुत अच्छा, और हाँ, इधर रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए कैसे लेटेंगे? मगरमच्छ की जैसे, गुड, बहुत अच्छा। ये है मकरासन, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ये था हमारा क्रोकोडाइल पोस्चर, है ना, ये मकरासन कहते हैं इसे। अब हमारे पीठ के बल लेते हैं। अभी हम इसी में पाद शीर्षासन, पाद यानी पैर, शीर्ष यानी माथा। ये बच्ची जैसे जैसे बच्चों में संस्कार लाएंगे, बच्चों की हड्डियाँ बढ़ती जाएगी, उनका लंग्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, बॉडी फ्लेक्सिबल होएगी। उसके लिए बेटा दोनों हाथ पास में रखें। हाँ, अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए, हाँ, दोनों पैर पास में लाए और आपके सिर को पीछे ले जाए, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये है पाद शीर्षासन, पाद यानी शीर्ष, पाद यानी पैर, शीर्ष यानी माथा। इससे करने से बच्चे बहुत लचीले बनते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी, इनके हाथ और पैरों में अच्छा स्ट्रेंथ आता है। देखिए, हार्ट की भी कार्यक्षमता बढ़ती है। रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स करें मकरासन में, वेरी गुड। ये है मकरासन का पोस्चर। अब अपने पीठ के बल लेट जाइए।
अब हम धीरे धीरे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए हस्तपाद अंगुष्ठासन करने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री में। यस, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाँ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से दोनों हाथ ऊपर। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े धीरे धीरे। और ये करने से देखो आप बच्चों का बोट पोस्चर भी हो गया। नाव चलती है ना, अब नाव सर्फिंग कैसे चलती है, बेटा आगे पीछे होएंगे, श्वास ले दोनों हाथ ऊपर, यस, फिर वापस नीचे, हाथ छोड़ देंगे, हाथ छोड़ो, यस, वापस श्वास लो ऊपर, हाँ श्वास छोड़े वापिस, यस, आगे पीछे आगे पीछे। अब हम बोट पोस्चर करेंगे जैसे अभी हमने किया था, आप इस बैठे सामने की तरफ, हाँ दोनों पैर ऊपर उठा लें, दोनों पैरों को खोल दें, हाँ, और अब धीरे धीरे हाथ और पैर चलाएं, यस, ये छोटा छोटा बीच बीच में बच्चों को थोड़ा बच्चों के जैसे एक्टिविटी करा दें, थोड़ा सा उनके हाथ और पैर चला लेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि बोट कैसे होती है। रिलैक्स, हाँ आइए सामने की तरफ। अब आप सभी ने पीजन देखा होगा, कबूतर देखा है ना, तो पीजन पोस्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको राइट पैर को घुटने में मोड़ना है ऐसे, और एक पैर पूरा आगे आ जाओ, आप आगे आओ, हाँ यस, इसी पोस्चर में लेफ्ट पैर आपने घुटने में मोड़ा, इस पैर को पूरा सीधा करेंगे, यस पूरा सीधा, हाँ वेरी गुड, दोनों हाथ साइड में रखेंगे और सामने ऊपर देखेंगे, बहुत अच्छा, इससे देखेंगे इनके फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ रही है, पूरे गर्दन की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो रही है, हाथों में स्ट्रेंथ आ रहा है। ये है कबूतर पोस्चर, पीजन पोस्चर। रिलैक्स, अब धीरे धीरे आपको दोनों हाथ कोहनिया नीचे टिकानी है और सामने की ओर देखें, हाँ एक हाथ दूसरे साइड रखना है, इस साइड और सामने। इंटेंस प्रैक्टिस के लिए ये पैर और आगे लाएंगे, ये पैर को खोल देंगे इस प्रकार। ये है पिजन का इंटेंस, यानी बहुत अच्छी, आपको और अच्छा फ्लेक्सिबल बढ़ाना है, थाइस को फ्लेक्सिबल करना है तो बच्चों में ये आसन करवाना चाहिए। रिलैक्स, धीरे धीरे पैर को पास में ले आओ, अब दूसरे पैर से करके दिखाओ, अब उस पैर को खोलना है, यस वेरी गुड, हाँ दोनों हाथ हथेलियाँ सामने, थोड़ा पैर और आगे ले लें इंटेंस प्रैक्टिस के लिए, यस, दृष्टि सामने, आँखें पूरी खोल के रखो ऊपर, हाँ ये है पीजन पोस्चर। तो बच्चों में ऐसे पक्षियों के नाम, कभी एनिमल्स के नाम, रिलैक्स दोनों पैर पास में। अब हम बटरफ्लाई, पता है कैसी होती है, तितली आसन, यस, बच्ची बहुत होशियार है, हमारे बताने के पहले ही कर लेती है। रीढ़ स्तंभ सीधा, आँखें कोमलता से बंद करेंगे, पहले तो हम भद्रासन में बैठना सिखाएंगे, फिर दोनों हाथ का इंटरलॉक करें बेटा, पैरों को फंस ऐसे पैरों को जोड़ ले इसके अंदर, हाँ अब तितलियाँ उड़ाओ, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ाएंगे बच्चे, तितली कैसे अलग अलग कलर की होती है उस प्रकार, अब आप हाथों से भी तितलियाँ उड़ाओ, बस वेरी गुड, यस, ऐसे छोटा छोटा बीच बीच में बच्चों के लिए रोचक आप कर सकते हैं और इससे बच्चे योगासन के लिए मोटिवेट भी होते हैं और उनका खेल खेल में बहुत अच्छा आसन हो जाता है। रिलैक्स, अब आप बैठ जाए, अब आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठेंगे जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रांग होएगी, और मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए हमें कैसे बैठना है, रीढ़ स्तंभ सीधा। अब हम बच्चों को एक प्राणायाम करवाएंगे जिससे मेडिटेशन भी हो जाता है बच्चों में और ध्यान भी लगने लगता है और एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। उसके लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, राइट हैंड के राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे, फिर आंखें कोमलता से बंद, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करो, राइट से धीरे धीरे छोड़ दो, पुनः राइट से लो, फिर राइट को बंद करो और लेफ्ट से छोड़ दो। अब बहुत स्लो मोशन में करेंगे हम, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। पहले वापस करें, वापस करके दिखाएं, दाएं हाथ से दाएं अंगुष्ठ से दाएं नासिका बंद कर दें, ठीक है, लेफ्ट आंखें बंद करो, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से गहरा लंबा श्वास ले, हाँ
लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें, उस नॉस्ट्रिल को बंद कर दें, अब राइट से छोड़ दें धीरे धीरे, फिर राइट से लो, राइट को बंद करो और लेफ्ट से छोड़ दो, पुनः करो, लेफ्ट से लो, राइट से धीरे धीरे छोड़ दो, श्वास फिर से राइट से लिया। ऐसे अल्टरनेट ब्रीदिंग बच्चों को करवाना चाहिए, करते रहिएगा, श्वास लेना श्वास छोड़ना, ये अल्टरनेट ब्रीदिंग बच्चों की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी पूरे समग्र विकास हो जाता है, अष्ट चक्र नौ द्वार देहरूपी देवालय स्वस्थ हो जाता है और बच्चों में योग करने की कार्यक्षमता बढ़ती है। रिलैक्स, एक्टिव बन, ध्यान लगाइए, अपने श्वासों को देखते रहें, रिलैक्स, बहुत अच्छा। ये बिटिया अक्षिता सेवन्थ क्लास में है और बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, बहुत अच्छी इसकी मेमोरी स्ट्रांग है। आइए अब करेंगे हमिंग साउंड। हमिंग साउंड करने के लिए दोनों अंगुष्ठ से, हाँ बताओ भौरा कैसे बोलता है, बिटिया भौरा कैसे बोलता है बताओ। यस, तो ये भौरे का गुंजन हम करने वाले हैं, तो हम तीन बार गुंजन कराएंगे। कैसे करेंगे, अंगूठा बंद, आंखें बंद, यस बहुत अच्छा, आंखें कोमलता से बंद कर ली, हाँ। और अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लो, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे, पुनः एक बार, एक बार, अब धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और अपने श्वासों पर, अपने हमिंग साउंड जो हमने किए थे उनको अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे और फिर धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। यस, ये था भ्रामरी प्राणायाम। बच्चों को भ्रामरी शब्द कठिन लगता है, तुमने उनको ये बताया कि भौरा कैसे गुंजन होता है ताकि उनको भौरे से भी परिचित हो जाए, तो इस प्रकार खेल खेलने। अब हम ताली बजाएंगे, कैसे ताली बजाएंगे, बच्चों को उनको समझाए, ताली वादन का महत्व समझाए कि अपने हाथ में सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, हमारे टिप्स में भी बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं जिससे बच्चों में मेमोरी बढ़ेगी और बच्चों को ताली बजाना तो बहुत अच्छा लगता है। अब ताली बजाते हुए बच्चों को थोड़ा सा हंसाने का प्रयत्न करेंगे और हम ताली वादन के साथ ओम के साथ हंसेंगे, ठीक है बेटा अक्षिता, खुल कर हंसेंगे, ठीक है, आइए ताली बजाओ। Om 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 संस्कार डालेंगे तो बच्चे निश्चित, इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इनका विकास बहुत अच्छा होएगा। आइए शांति पाठ के साथ समापन करते हैं, दोनों हाथों से नमन करेंगे, शांति पाठ साथ में दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु
शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।